गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज के ब्लॉग में हम देखने जा रहे हैं एक बाइक जो कि जिसका नाम है हार्ले डेविडसन, विच इज़ एन अमेरिकन कंपनी। और ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये हार्ले डेविडसन का स्ट्रीट रॉड 750 एडिशन है जो 2017 में लॉन्च हुआ था और अब आना डिसकंटिन्यू हो गया है। इस वीडियो में हम देखते हैं दोस्तों कि हार्ले डेविडसन जो कि 2017 में लॉन्च हुई थी और अब डिसकंटिन्यू हो गई है, तो आज की डेट में क्या इसकी वर्थ है, तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने अपना फ्यूल टैंक दिया हुआ है जिसके ऊपर हार्ले डेविडसन की देख सकते हैं आप ब्रांडिंग हुई हुई है, और इसी के नीचे इन्होंने अपना स्ट्रीट रॉड 750 जो कि बाइक का एक नाम है वो इन्होंने यहाँ पर ब्रांडिंग की हुई है। आगे से शुरू करें तो आगे आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना वाइजर दिया हुआ है जो कि डुअल टोन में है, उसके नीचे यहाँ पर लाइट आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो है टायर कवर आप देख सकते हैं। बात करते हैं बाइक के इंजन की, तो इंजन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हार्ले ने अपना बहुत ही मासिव दिया हुआ है, इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ पावर। और ये जो इंजन आप देख सकते हैं ये इन्होंने दिया है हाई आउटपुट रेवोल्यूशन एक्स वी ट्विन विच गिव्स अ पावर ऑफ 749 सीसी एंड प्रोड्यूसेस अ टॉर्क ऑफ 60 न्यूटन मीटर विच इज मोर देन सफिशिएंट। और आप इंजन देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने वी शेप में दिया हुआ है, सकते हैं कि गाड़ी का फ्यूल टैंक है और यहाँ पर हार्ले डेविडसन की ब्रांडिंग हुई हुई है। और बात करें गाड़ी के कूलिंग सिस्टम की, तो जो इसमें कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है वो लिक्विड कूल दिया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी के ड्राइव मोड है वो बेल्ट ड्राइव दी हुई है। यहाँ पर पूरी बेल्ट आप देख सकते हैं कि दी हुई है, ये गाड़ी की पूरी बेल्ट है जिसकी वजह से गाड़ी ये रन करती है। और जो गाड़ी में फ्यूल सप्लाई होती है वो फ्यूल इंजेक्शन मोड इसमें दिया हुआ है। और दोस्तों बात करें तो इस गाड़ी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डुअल डिस्क ब्रेक दी हुई है विथ 17 इंचेज ऑफ टायर्स बोथ फ्रंट एंड द बैक, और फॉकर यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी बहुत ही स्टाइलिश हैंडल दी हुई है, इनकी हैंडल देख सकते हैं कि हैंडल इन्होंने बहुत ही स्ट्रेट डिज़ाइन में दी हुई है, और साथ ही में यहाँ पर साइड मिरर्स इनबिल्ट है दोनों साइड, और ये इनका डिजिटल स्पीडोमीटर है। और लेट्स टर्न द इग्निशन ऑन, और आप जब इग्निशन ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी वार्निंग लाइट्स, ट्रिप मीटर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे न्यूट्रल है, फ्यूल का है, स्पीडोमीटर है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। फ्यूल कैपेसिटी की, तो जिसकी फ्यूल कैपेसिटी है वो है 13.1 लीटर विच इज़ मोर देन सफिशिएंट आई थिंक। और आप इसकी सीट की डिज़ाइन देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही कॉन्टेम्प्रेरी बाइक को बहुत ही लो हाइट रखी हुई है ताकि ईजी एक्सेस और कम्फर्ट बना रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्प्लिट सीट दी हुई है और यहाँ पर ईजिली आदमी बैठ सकता है, और साइड में यहाँ पर आपके सॉकर सिस्टम दिए हुए हैं, आगे भी पीछे भी डुअल डिस्क ब्रेक दी हुई है, यहाँ पर पिगी बैंक शॉक्स दिए हुए हैं जो कि गाड़ी को बहुत ही स्मूथ और सस्पेंशन का बहुत अच्छा रखते हैं। और पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी टेल लाइट भी है, टेल इंडिकेटर्स है, इसके साथ ही साथ इन्होंने अपना डिज़ाइन दिया हुआ है टेल ब्रेक का जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस बाइक पर। 17 इंच के काफ़ी मोटे टायर्स आपको मिल जाते हैं जिससे कि बाइक में चलाने का मज़ा आपका और ज़्यादा हो जाता है। तो ये गाड़ी का आप देख सकते हैं कि ये एयर इनटेक है हार्ले डेविडसन स्ट्रीट रॉड का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रीट रॉड 750 की ब्रांडिंग हुई हुई है, और ये आप देख सकते हैं कि ये इसका पूरा साइलेंसर है जो कि काफ़ी अच्छा साउंड भी प्रोड्यूस करता है। दोस्तों बात करें इस पर्टिकुलर इस बाइक के इंजन की, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हाई आउटपुट रेवोल्यूशन एक्सवी ट्विन इंजन इसमें दिया हुआ है विच प्रोड्यूसेस 749 सीसी एंड क्रिएट्स अ पावर ऑफ 60 न्यूटन मीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट में गाड़ी का रेडिएटर दिया हुआ है जो कि हीट को रेगुलेट करता रहता है, और इसमें जो सिस्टम दिया हुआ है वो लिक्विड कूल का पूरा सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ इनका इग्निशन का दिया हुआ है, तो जैसे इग्निशन ऑन करते हैं आप देखते हैं यहाँ पर आपको पूरा डिजिटल मीटर मिल जाता है साथ में सारे फंक्शंस। नाउ लेट्स स्टार्ट द बाइक। हार्ले अपने में एक ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है जो कि मार्केट काफ़ी अच्छी भी बना चुका है, काफ़ी अच्छी इसकी रेपुटेशन भी है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो बाइक लवर्स होते हैं वो इस बाइक को परचेज करना चाहते हैं। बाइक राइड कर रहे हो तो आपका नीचे का पूरा हिस्सा हीट हो जाएगा क्योंकि इंजन इतनी हीट छोड़ता है इसमें कि आपका नीचे का पूरा हिस्सा वार्म हो जाएगा। और बात करें इसकी पिलियन सीट की, तो पिलियन सीट बहुत ज़्यादा वाइड नहीं दी है जो कि मेरे हिसाब से ड्रॉबैक है। साल 2021 में ये बाइक आना बंद हो गई है, अगर फिर भी बाइक चलाने में मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है।